नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। भागलपुर जिला के पीरपैंती थाना क्षेत्र परशुरामपुर पंचायत ग्राम दूधिया धार के निवासी लालमुनी मंडल के घर में आग लगने से एक ही घर के तीन बच्चे जलकर राख। वहीं प्रिया कुमारी उम्र 4 वर्ष, आशीष कुमार उम्र 3 वर्ष और नैना कुमारी उम्र 1 वर्ष जलकर राख हो गया। वहीं मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने बताया कि घर में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। वहीं होली के त्योहार को लेकर सभी लोग भोजन करके देर रात्रि सभी लोग सो गए थे। करीब 9 से 10 बजे के बीच घर में आग लगने की चिल्लाहट से ग्रामीणों को सूचना मिलती, जब तक आग लोग बुझा पाते तब तक छोटी सी पूस का घर जलकर राख हो गया। एक पल का भी मौका नहीं मिला घटनास्थल से बच्चे को बाहर निकाल सके। वहीं मृतक बच्चे की मां रीना देवी और पिता लाल मुनि मंडल दोनों बच्चे को बचाने के दौरान आग में झुलस गए। इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सीओ अरुण कुमार एवं पीरपैंती थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यवर्ती घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जायजा लिया और मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जख्मी माता पिता का इलाज चल रहा है। आइए देखते हैं भागलपुर से मोहम्मद कामरान आलम की पूरी रिपोर्ट। करीब 9 बजे रात में। 9 बजे रात में? हाँ। कैसे आग लगा? अरे कैसे लगा हमको पता नहीं था। हम तो दुकान धर रोड पे ना जी, तो दुकान में सामान तमान था, वो सिलाने के लिए जा रहे थे। सूचना आपको कैसे मिला? सूचना तो बगल में तो देखे तो गए। उसमें बताया जा रहा था कि तार जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही है। नहीं उससे कोई मतलब नहीं, वो तो उसमें बिजली का तार हो गया था घर में। आग पर काबू कैसे पाया गया और कितने इसमें क्षति है आप लोगों को? क्या क्या जलकर राख हुई? अरे सारा सामान, बच्चा 3 को जल गया, सारा सामान जल गया जितना था उसमें। कुछ नहीं बचा, ये बाकी इतना सा बचा है और कुछ नहीं बचा। जो बच्चे जले हैं उनका क्या नाम है? एक का थी प्रिया कुमारी, एक का नाम है आशीष और एक का नाम है नाम एक का भूल रहा हूँ। अच्छा, ये तीनों जो बच्चे थे ये आपके कौन थे? हाँ ये बच्चे मेरा बच्चा था। आप ही का था? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा लालमुनि कुमार मंडल। क्या करते हैं? क्या करेंगे, ऐसे काम धंधा करते हैं, ये करते हैं। घटना के बाद इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।